नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश बंसल आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत कर रहा हूं। आज मेरे साथ स्टूडियो में है संत जगदीश मुनि जी महाराज, जिन्होंने न्यूरो हीलिंग थेरेपी की खोज की है। फाजिलका के ये निवासी हैं, गांव बनवाला हनुमता में इनका आश्रम है। निरोग जीवन संस्थान के ये संचालक है। आज हमारे साथ स्टूडियो में आए हुए हैं। पहले मैं इनका स्वागत करता हूँ। महाराज जी, हमें आज जानकारी देंगे कि न्यूरो हीलिंग थेरेपी की इन्होंने खोज किस मकसद से की है। जी महाराज जी, किस मकसद से आपने ये न्यूरो हीलिंग चिकित्सा की ये खोज? सबसे पहले आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। और ये जो पिछले 25 साल से ये सेवा चल रही है निरंतर रोगियों की इलाज की, क्योंकि आज तक हम सेवा करते जा रहे थे, कैंप लगाते जा रहे थे, 15 दिन से शिविर चल रहे थे और 397 ये शिविर की लड़ी तक पहुंच गया और लगातार सेवा चल रही थी। तो आपने हमें बुलाया ताकि ये जो पद्धति जिसकी हमने खोज की है पिछले 25 वर्षों की लगातार निरंतर दिन रात मेहनत करने के बाद ये जो खोज हुई है, तो ये पद्धति मेरी भी अभी कुछ समय पहले इच्छा उठ रही थी कि ये जो पद्धति की खोज हुई है, अगर इस पद्धति के बहुत सारे जो पहलू हैं उनको संगत को लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि जो लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए या कई ऐसे क्रॉनिक केस हैं उनकी मतलब बीमारियों के लिए लगातार दवाई खा रहे हैं, उनको दवाइयों से निजात मिले। और दूसरा, न्यूरो हीलिंग का हमने ऐसा एक सिस्टम बना दिया है, इससे करंटली आपको फायदा मिले, पेशेंट को करंटली फायदा मिले। मतलब सिर दर्द हो रहा है आपका, इलाज देते देते आपको इसका इतना रिजल्ट है। पेट में दर्द हो रहा है, पेट का इलाज देते ही देते देते ही घुटनों में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है। मतलब दर्द का जैसे स्टीरॉयड मतलब पेन किलर दवाइयां असर करती है, उससे भी पहले आप न्यूरो हीलिंग से ठीक हो सकते हैं, ऐसे हमने तैयार किया। इसका नाम न्यूरो हीलिंग रखा है। और इसमें मतलब साष्टांग विद्या, साष्टांग जो चिकित्सा है वो काम करती है, साष्टांग थेरेपी। जैसे बॉडी भी एक साष्टांग ही है, इसी प्रकार साष्टांग थेरेपी इसमें अलग अलग पद्धतियों को जोड़ करके एक पद्धति तैयार करती है, उसका नाम न्यूरो। और इससे बस सबसे बड़ा फायदा यही है कि शरीर के अंदर कहीं भी ब्लॉकेज है, कोई भी सिस्टम जाम है, वो चालू हो जाता है तुरंत। और खून से बड़ी कोई दवाई नहीं, जब वो सिस्टम चालू हो गया, उसने ऊर्जा पैदा करनी शुरू कर दी, तो शरीर के अंदर जो भी उसका काम रुका हुआ था वो चालू हो जाता है और बॉडी के अंदर जो है वैसी ऊर्जा का जो है शुरुआत हो जाती है, आदमी फिट फिट। ये एक मेरे को सवाल आया है कि जिस तरह से आजकल फिजियोथेरेपिस्ट आए हुए हैं, मालिशें करते हैं, लोगों की जो नाड़ियों का में रक्त का संचार होता है वो जिस दिशा में जाना चाहिए उसकी बजाय दूसरा चल जाता है, लोगों की जो हाथ पैर रुक जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो क्या ये पद्धति भी वैसी ही पद्धति है? एक इतनी मतलब एक्चुअल पद्धति है, इतना इसका ये सिस्टम है, एक सिस्टम है इलाज करने का। मतलब एक विद्यार्थी हमारे पास आता है मैट्रिक में प्लस टू पास जो बच्चे आते हैं सीखने के लिए, उनका एक साल का कोर्स रखा हुआ है। एक साल कोर्स करने के बाद अलग अलग पार्टों का कैसे इलाज करना है, कौन सी नाड़ी किस दिशा में खून दे रही है और कौन सा सिस्टम किधर ऊर्जा भेज रहा है, कैसे मतलब सारी की सारी इसकी एक एजुकेशन है, पढ़ाई है। पढ़ाई करने के बाद एक बच्चा एक साल इसका कोर्स रखा हुआ, एक साल कोर्स करने के बाद उसको आगे फिर 6 महीने प्रैक्टिस के लिए रखते हैं, हर 15 दिन बाद उसे घर से बाहर रहना पड़ता है और दिन में उसे 10 घंटे सेवा देनी पड़ती है, पेशेंट को चेक करना, इलाज देना, हम बिल्कुल ऊपर खड़े होकर के उसके हाथ को, उसके प्रेशर को, उसके सारे सिस्टम को चेक करते हैं और हजारों पेशेंटों को इलाज देने के बाद ही उसे प्रमाण पत्र जारी होता है ऐसे। और उसको ये शब्द भी दिलवाई जाती है भी इस ये जो आपने थेरेपी सीखी है आपको हमने निःशुल्क सिखाई है, कोई आपसे फीस तो ली नहीं, आज तक मैंने किसी विद्यार्थी से कोई एक पैसा तक नहीं लिया भी आप यहाँ सीख रहे। उल्टा उनका किराया भाड़ा, उनकी वर्दियाँ, उनके वस्त्र, उनके भोजन, सारी व्यवस्था मैंने अपने इस सिस्टम से की, मतलब संस्थान की तरफ से उनको करवाई है, कोई किसी से कुछ लिया दिया नहीं। जाते वक्त उनको एक शब्द भी दिलाता हूँ, भाई आपने ये विद्या फ्री में सीखी है, निःशुल्क सीखी है
और आगे जाकर के ठीक है आपने इसको अपने रोजगार को चलाना है, पेट को भी पालना है, तो आप कम से कम 20 रुपए और ज्यादा से ज्यादा अगर रखो तो 50 रुपए रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। इससे अगर ज्यादा रखते हो तो आप मेरे भी गुनाहगार और परमात्मा के भी गुनाहगार। परमात्मा के गुनाहगार तो जो 20 लेते हैं वो भी गुनाहगार ही, क्योंकि परमात्मा हमारे जीवन को कैसे चला रहा है, चल रहा है, वो कुछ लेता है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, कुछ लेता है, सूर्य उगा है, कितनी ऊर्जा हमारे चारों तरफ बह रही है, परमात्मा कुछ लेता है, पानी के इतने सोर्सेस बढ़ाए हम पीते हैं, क्या हमारा कुछ लगता है, प्रकृति से सब हमें निःशुल्क मिल रहा है, निष्काम भाव से मिल रहा है। ऐसे मैं तो उनको यही कहता हूँ कि 20 रुपए से आप परमात्मा के गुनाहगार भी हो और 50 से अगर ऊपर लेते तो आपने संतों से ही विद्या सीखी है, आप गुनाहगार, आपको भुगतान देना पड़ेगा। और पेशेंट भी भगवान का रूप होता है, भगवान की सेवा करना हर एक मनुष्य का धर्म है और इस धर्म को बखूबी निभाना चाहिए, मतलब ये एक विद्या है और इस विद्या को भी मैं सबसे जो बच्चे सीखे हैं उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि आप इसको प्रोफेशन नहीं बनाइए, आप सेवा के तौर पर सेवा करिए, सेवा के लिए आपने सीखा है, सेवा के लिए भगवान ने जीवन दिए और आप सेवा करिए और सेवा करते हुए भले का कार्य करते हुए अपने जीवन का आनंद। एक हमारे दर्शकों को आप ये बताएं जो ये पद्धति है न्यूरो हीलिंग पद्धति से किस तरह के लोगों का इलाज किया जा रहा है, किन किन बीमारियों से लोगों को छुटकारा मिल रहा है? आपका अच्छा सवाल है। न्यूरो हीलिंग से सिर दर्द, इसके वैसे हमने 5 पॉइंट बनाए हैं, सिर दर्द, जब सिर दर्द का इलाज करते हैं तो आंख का, कान का, मुंह का, नाक का और गले का इलाज एक साथ हो जाता है, सिर दर्द में ये पॉइंट आ गए। उसके बाद सर्वाइकल का पॉइंट में क्या होता है कि कंधे, दोनों कंधे का और दोनों बाजुओं का इलाज हो जाता है, सर्वाइकल का इलाज हो गया। सर्वाइकल के साथ जैसे शोल्डर फ्रोजन है, फ्रोजन शोल्डर है जो, और कुणी में, हाथ में, जहाँ भी दर्द है, तो इसमें एक पूरा सिस्टम है। सर्वाइकल का चिकित्सा का मतलब सर्वाइकल के अंदर गर्दन, ये छोटा हमारा बेरुल जो दिमाग, छोटा दिमाग जो ऑटोमेटिक सिस्टम को चलाता है, नर्व सिस्टम, इस सारे की हीलिंग हो जाती है, ये हमारी बैक पूरी, इसका इलाज होता है। सर्वाइकल हो गया, उसके बाद बैक पेन में पूरे ये हमारे कूल्हे, कमर, पूरी रीढ़ की हड्डी, मतलब लंबर और ये सारा जो थोरैसिक सिस्टम है उसका सारे का इलाज होता है, नीचे कॉर्सिक्स तक भी इलाज होता है और नीचे जो बैक के अंदर जो साइडों में बैक के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो इलाज, जैसे साइड का पेन है उसका भी इलाज होता है। मतलब ये करंटली इलाज है जो मैं आपको बता रहा हूँ, दर्शकों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ, ये सारे इलाज करंटली है। ऐसा समझिए कि आप जैसे पेन किलर से ठीक होते वैसे ही आप यहाँ ठीक हो, जैसे पेन किलर दवाई से पेशेंट ठीक होता है, जस्ट वैसे ही न्यूरो हीलिंग थेरेपी से पेशेंट ठीक होता है। तो मैं चाहूंगा कि दवाइयों से बचे। देखो आप सबको पता है कि पेन किलर का कितना नुकसान है, सभी को पता है कि पेन किलर का कितना नुकसान है। पेन किलर जैसे जाती है पहले पेट के नसों को डिफेक्टिव करती है, उसके बाद आंतों के ऊपर डिफेक्ट पड़ता है, आंतों के बाद गुर्दों के ऊपर, क्योंकि गुर्दे खून को साफ करते हैं, गुर्दों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। ये समझ लीजिए कि 7 दिन अगर आपने लगातार गोली खा ली तो 7 दिन बाद गुर्दे ऐसे हो जाते हैं जैसे आदमी डेड होता है। तो ध्यान से खाइए, यही आपसे निवेदन करना चाहूँगा, और बजाय दवाई खाने के और आप जो है जहाँ शिविर लगा होता है शिविर में निःशुल्क इलाज है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ नहीं लगता आपका, और आप आकर के इलाज करवाएं और अपना आनंद लीजिए। इसके साथ सर्वाइकल का इलाज हो गया, पैक का इलाज हो गया, टांगों का इलाज हो गया, घुटनों का इलाज हो गया, और पेट के अंदर कोई प्रॉब्लम, आपको भूख नहीं लगती है, लीवर की कोई प्रॉब्लम है, शुगर है, आपको गदूर प्रोस्टेट बने हुए हैं, और मान लो आंतों की कोई भी प्रॉब्लम, पेट पेट संबंधी पेशाब की कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका भी करंटली आपको खाली पेट आना है और 5 दिन का कोर्स है, आप करवाइए। मतलब कहने का भाव, एडी से लेके चोटी तक पूरे शरीर के अंदर कहीं भी आपके ब्लॉकेज है, सिस्टम जाम है, दर्द हो रहा है, तकलीफ है, चाहे क्रोनिक है चाहे वो नॉर्मल है, उसका इलाज। एक सवाल और था हमारे दर्शकों को, ये बताएं कैंसर और हार्ट की जो प्रॉब्लम्स लोगों को चल रही है इसका इलाज भी संभव है? देखिए ये प्रॉब्लम में कभी आ ही नहीं सकती अगर हम लापरवाही ना करें तो,
मैं रोज बताता हूँ, योगा में बताता हूँ, और मतलब अगर हम प्रकृति के नियमों की पालना करेंगे तो हम सभी बीमारियों से बचेंगे। नहीं तो देखो बीमारी क्या होती है, जब शरीर के अंदर कोई नस जाम होती है, जब मान लो नाड़ी में जब पानी चल रहा है और ये पाइप जाम हो गई, तो जाम हो गई तो पानी यहाँ रुक गया। अब पानी रुकेगा तो उसमें कीटाणु कैसे पैदा हो सकते हैं, नाम कुछ भी रख लो। ऐसे ही हमारा शरीर है, शरीर के अंदर नसों में खून चलता है, नसों में जब खून चलता है हम काम नहीं करते, टाइम पे नहीं उठते, टाइम पे नहीं सोते, तो तब क्या हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर नसों में खून जाम हो जाता है। और जब वो खून जाम होता है तो वो खून रुकता है, रुकते ही उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं। वो कीटाणु का नाम चाहे कैंसर रख लो, चाहे शुगर रख लो, कुछ भी रख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बीमारियां हमारे लापरवाही का नतीजा है। तो मैं सभी संगत से ये निवेदन करना चाहूंगा कि कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका दुनिया में इलाज नहीं है, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका दुनिया में इलाज नहीं है। आप अपने नियम में आ जाइए, आज से ही आपकी बीमारी रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी, आज से ही आपकी बीमारी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज से आप रात को सूर्य छिपने के बाद आधे घंटे बाद या एक घंटे बाद सोना शुरू कर दीजिए, और सूरज उगने से एक घंटा पहले उठना शुरू कर दीजिए, और टाइम पे खाना शुरू कर दीजिए, और कम से कम 4 घंटे रोज काम करिए, आपको कुछ नहीं होगा। और जिनको हो चुका है वो पूरे नियम में आ जाइए, ठीक। मैंने देखा ना योगा में आपको कल भी, और मैनेजर साहब बता रहे थे कि प्रदीप जी विटानी जी, मेरा शुगर का लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो गया है और मेरे शरीर में फुर्ती आ गई है। पहले मैं जब ड्यूटी पे था, ऑन ड्यूटी, तब मैं ऐसे लगता था जैसे मेरा दिन में दिल काम करने को मन ही नहीं करता है। आज मेरे अंदर इतनी फुर्ती है और मेरा शुगर लेवल डाउन हो गया, क्योंकि रोज शरीर का उनका हुआ क्या, क्योंकि राइट टाइम पे उन्होंने पहुंचना योगा में, 15 दिन रेगुलर किया और उनका एक नियम बन गया। नियम बढ़ने से बॉडी का सारा सिस्टम ठीक हो गया, और सिस्टम ठीक होने से बीमारी अपने आप विदा हो जी। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, बस आप अपने प्रकृति के जो नियम है उनकी पालना करिए, प्रकृति से प्रेम करिए, और चिकित्सा के लिए न्यूरो हीलिंग पद्धति की आपके लिए खोज कर दी है ये संतों महापुरुषों की कृपा से, शास्त्रों से ये विद्या लेकर के, और आपके समक्ष ये एक सिस्टम बढ़ा दिया है। आप इलाज भी करवाइए, और अपने बच्चे जो पढ़े लिखे हैं उनको सीखने के लिए बोलिए, सीखें, ताकि अपने देश का, अपने समाज का और आपके परिवार का भला होगा, और इस भले को, इस मिशन को आगे बढ़ाने में आप हमारा सहयोग जी। जगदीश मुनि जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये हमें बता रहे हैं किस प्रकार से न्यूरो हीलिंग से कैंसर, हार्ट, शुगर, बीपी और सर्वाइकल माइग्रेन जैसी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, और किस प्रकार से इसका इलाज, जड़ इलाज करने के बाद ये बीमारियां जड़ से खत्म हो जाती है। जगदीश मुनि जी फाजिलका के निवासी हैं, इनका गांव बनवाला में आश्रम है, बहुत इन्होंने 20 साल हो गए इनको 25 साल सेवा करते हुए, बहुत इन्होंने बीमारियां ठीक की, 10 लाख लोगों का इलाज कर चुके हैं, निरोग जीवन संस्थान के ये संचालक हैं। बहुत अच्छा लगा जगदीश मुनि जी आपके साथ मुलाकात स्टूडियो में आए, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आर बी लाइव मीडिया आपका अपना चैनल, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।